सो मैं निकल गया हूँ सोलो राइड पे दिल्ली के लिए, और ये हमारी धरनो रेडी हो चुकी है, तो चले फिर सफ़र शुरू करते हैं। मोबे वाला से होते हुए मैं निकल रहा हूँ दिल्ली, देहरादून ISBT से दिल्ली, और ये मोबे वाले का रास्ता है पीछे का जो गोरखपुर से पड़ता है, बहुत कंजेस्टेड रास्ता है, तो आराम से चलानी है आपको गाड़ी यहाँ पे, बाकी गाड़ी के लिए आपको जगह तो मिल ही जाती है। और अब थोड़ी देर में मैं ISBT पहुँच जाऊँगा जो कि यहाँ से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर है देहरादून का। वहाँ पे मेरी गाड़ी का फास्ट टैग 6 नंबर से कनेक्ट होता हुआ, तो मेरे को ना थोड़ा दोबारा फास्ट टैग लेना पड़ रहा है। और ये भाई आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन कर रहा है नए फास्ट टैग का, और ये देवबंद वाला रास्ता है जहाँ से मैं दिल्ली निकलने वाला हूँ। ये सफ़र कंटिन्यू रखेंगे अभी आगे के लिए। जो सबसे बुरी बात है वो यही है इस टाइम की कि अभी रैलियाँ चल रही हैं और आप ट्रैफिक देख सकते हो 1 किलोमीटर तक का लंबा ट्रैफिक है, तो इस कारण जो नॉर्मल पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि कुछ बहुत सारे इमरजेंसी काम होते हैं लोगों के जो कर नहीं पाते हैं, तो पूरा का पूरा चक्का जाम लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक रैली के चक्कर में। और हम दिल्ली एंटर हो चुके हैं, कम्प्लीटली कॉन्क्रीट जंगल है ये, और ये दिल्ली का मशहूर डंप यार्ड, और ये देखिए पक्षी घूमते हुए इसके ऊपर, और ये पूरा का पूरा जो कचड़े का पहाड़ है ये दिल्ली की एक खासियत को बयां करता है कि हम कितने प्योर सिटी में रह रहे हैं। पॉल्यूशन होने का रीज़न ये नहीं है कि यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, पॉल्यूशन होने का रीज़न एक ये भी है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें भी हैं, कचड़ा इतना सारा। और दिल्ली में सोलो ट्रैवलिंग आप कर रहे हो जो भी कर रहे हो, लेकिन मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे चालान बहुत कटते हैं, तो बस मास्क के साथ हम कंटिन्यू हैं अभी, और चलिए गाड़ी पे फोकस करते हैं। सबसे बुरी बात ट्रैफिक दिल्ली का, और पिछले 20 मिनट से मैं थोड़ा थोड़ा करके जा रहा हूँ और 1 किलोमीटर भी कवर नहीं किया अभी तक मैंने, फंस चुका हूँ मैं बहुत भारी ट्रैफिक में। सरोजनी नगर से होते हुए जाऊँगा मैं जा रहा हूँ अभी नजफगढ़, जो कि द्वारका से द्वारका में ही पड़ता है ऑलमोस्ट। मैं पहुंच चुका हूँ द्वारका में फाइनली, बहुत संघर्ष करने के बाद। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं द्वारका में, थोड़ी देर में मैं नजफगढ़ अपने चाची के यहाँ पे पहुंच जाऊँगा, और ये द्वारका सेक्टर 13 का मेट्रो स्टेशन है जो सामने दिख रहा है। काफ़ी अच्छी राइड थी आज की, इतने लंबे कंटिन्यू ड्राइव के बाद एक चाय तो बनती है, और यहाँ पर मैं पी रहा हूँ चाय, और ये देखिए हमारा पप्पी प्यारा ये खाता होगा। चुका हूँ, ये मेरी गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, दिल्ली गलियाँ बड़ी तंग है,